आज का हमारा टॉपिक है फर्म और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम में तभी आती है जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मिनिमम लॉस। अब मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस की जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि MR और MC एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और उस समय MC बढ़ता हुआ होना चाहिए। यहाँ पे हमें समझना है कि MR का मतलब क्या है। एक और एडिशनल यूनिट को बेचकर जो फर्म को पैसा मिलता है उसे MR कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस है वो फिक्स होता है, इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करती है और फर्में प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं। तो हर किसी यूनिट का प्राइस सेम होता है, जिसकी वजह से TR में जो चेंज आता है जिसे हम MR कहते हैं उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो AR और MR परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम होते हैं। MC का मतलब है एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से TR में जो चेंज आया है उसे MC कहते हैं। MC एक्चुअल में हर यूनिट का कॉस्ट होता है। अब उस समय MC बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यदि हम फर्म का इक्विलिब्रियम बता रहे हैं तो उसमें दो केसेस हैं, एक तो हमें शॉर्ट रन में बताना है और एक हमें लॉन्ग रन में बताना है। अब शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन है। तो शॉर्ट रन में हो सकता है कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा हो या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा हो या लॉस। तो हमें जो इक्विलिब्रियम दिखाना है वो तो तीनों में दिखाना है। तीनों का मतलब है कि तीनों में हमें MR और MC, जैसे यहाँ भी MR MC के इक्वल होना चाहिए, यहाँ भी MR MC के इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे भी MR और MC इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि उस समय MC बढ़ता हुआ होना चाहिए और यहाँ पे भी। तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो तो तीनों में आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो है कांस्टेंट होता है, तो ये MR और AR जो कर्व है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो इस तरीके से होते हैं। MC में यू शेप होता है, पहले कॉस्टें कम आती हैं फिर कॉस्टें बढ़ने लगती हैं। अब MC MR को जहाँ पे कट करेगा वो प्रोड्यूसर और फर्म का इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब फर्म अगर यहाँ पे भी MR MC एक दूसरे के बराबर है बट यहाँ पे MC जो है राइजिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी कॉस्टें कम आ रही हैं। ठीक है, अगर इससे पहले प्रोडक्शन को रोक देते हैं तो फर्म थोड़ा और प्रॉफिट कमा सकते थे, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन नहीं है। अब जब MC MR के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट में AR और AC एक दूसरे के बराबर होते हैं। AR जो है TR को Q से डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं और जो एवरेज कॉस्ट है उसे टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ है उससे डिवाइड करके निकाला जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को तभी होता है जब AR और AC बराबर है। अब फर्म ने किस प्राइस पे बेचना है वो तो इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, बट फर्म को कितना प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है ये फर्म ने डिसाइड करना है। तो जहाँ पे MC और MR कर्व फर्म का इक्वल होता है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है और ये आउटपुट जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो इतना तो फर्म को उत्पादन इतना जो है करना है, उस समय AR इतना है, तो एवरेज कॉस्ट भी हमने इतना ही दिखाना है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट, तो ये शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट है जिसे हम SAC और SMC भी बोल सकते हैं। अब जब फर्म ने इतना प्रोडक्शन करना है उस समय AR इतना है और एवरेज कॉस्ट भी इतना ही है, तो हम बोलेंगे कि शॉर्ट रन में ये फर्म को एक नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है क्वांटिटी है, ये क्या है AR है, तो AR की गुणा अगर हम क्वांटिटी से करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो TR निकल के आएगा, तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा इस रेक्टेंगल का। तो इसका मतलब इतना प्रोडक्शन करने में TR इतना है और टोटल कॉस्ट भी इतना ही है, तो TR एंड TC बराबर है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। अब हम देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में फर्मों को इक्विलिब्रियम केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट तभी मिलता है जब AR और AC AR AC से
बड़ा हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ये ए आर और एम आर कर्व होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब एम सी में यू सेव होता है, तो फर्म को जो प्रोडक्शन देना है वो वहाँ पे देना है जहाँ एम सी और एम आर बराबर हो और एम सी उस समय बढ़ता हुआ हो। तो ये तो फर्म ने भाई डिसाइड कर लिया कि उसे जो प्रोडक्शन है वो इतना ही करना है। अब जब कंपनी और फर्म इतना उत्पादन कर रहे हैं उस समय ए आर इतना है, तो एवरेज कॉस्ट हमें कम दिखाना है, तो इसी को हम नीचे वर्टिकल थोड़ा नीचे लाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे आके और जैसे ही यहाँ कट करेगा बढ़ा देंगे इसको। तो ये शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये एम सी और ए सी में एक रिलेशन हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो उसी तरीके से हमें एम सी और ए सी का डायग्राम बनाना है। तो जब इतना उत्पादन हो रहा है तो उस समय ए आर इतना है, तो इसका मतलब है कि जो टी आर है वो होता है ए आर इंटू क्वांटिटी। तो ए आर कितना है, ई क्यू, ठीक है, और उत्पादन कितना हुआ है, ओ क्यू। तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो ये पूरा एक एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे प्राइस देते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ओ पी ई क्यू, ये एरिया जो है टी आर है, ठीक है। तो जब कंपनी इतना उत्पादन करती है तो टोटल रिवेन्यू इतना मिलता है। अब हमें एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, तो वो ए सी इंटू मल्टीप्लाई क्यू हो गया। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कम है, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ। तो ये एफ की इसका मतलब है कि इतना तो आउटपुट है और ये जो है एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट कितना है, एफ क्यू, और आउटपुट कितना है, ओ क्यू। तो ये जो निकल के आया एरिया, वो ये एरिया निकल के आया, ठीक है, तो ये पी वन, तो ये एरिया निकल के आया पी वन एफ क्यू ओ। तो कहने का मतलब है इतना उत्पादन से टोटल रिवेन्यू इतना मिला है और टोटल कॉस्ट इतनी है, तो टी आर में से टोटल कॉस्ट को घटाने से जो प्रॉफिट आया है तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये पूरा एरिया जो है ये वाला, ये एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब कंपनी इतना उत्पादन करती है तो उस समय ए आर इतना है और एवरेज कॉस्ट कम है, तो ये एवरेज कॉस्ट है, ये ए आर है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो मैंने बताया था ये पूरा टी आर है और ये एरिया जो है वो टी सी है। तो टी आर बेचकर इतना मिला, खर्चा बनाने में इतना आया, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हम तीसरा केस भी देख सकते हैं, जब शॉर्ट रन में फर्म जो है इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उस समय लॉस भी हो सकता है, बट वो लॉस जो होगा वो मिनिमम लॉस होगा अगर ये दो कंडीशन हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का ये एम आर और ए आर है और ये एम सी में यू सेव है। एम सी और एम आर एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं, ये फर्म का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इस समय जब इतना उत्पादन हो रहा है तो ए आर इतना है, तो मुझे एवरेज कॉस्ट, लॉस का मतलब है एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है ए आर से, तो मुझे एवरेज कॉस्ट ज़्यादा दिखाना है। तो ये जो है एवरेज कॉस्ट है शॉर्ट रन का, ठीक है। तो इसका नाम मैं ई वन देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पी दे दो ना, और ये हो गया पी टू। तो जब इतना उत्पादन हो रहा है तो ए आर इतना है, तो इसका मतलब टोटल रिवेन्यू जो है वो ओ क्यू ई और पी, ये पूरा एरिया है, ठीक है। तो इतना उत्पादन हुआ, इस प्राइस से बेचा गया, क्योंकि ये तो ए आर लाइन है, तो जब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये पूरा पोर्शन टी आर निकल के आया है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमें देखना पड़ेगा, तो उत्पादन जो हुआ है वो इतना हुआ है और कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इतनी है, तो ए सी की मल्टीप्लाई क्यू से करोगे आउटपुट से, तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। तो टोटल कॉस्ट है ओ क्यू ई वन पी टू, ये एरिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतना जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें टोटल रिवेन्यू जो मिल रहा है बेचकर, वो बेचकर इतना मिल रहा है, तो इतनी यूनिट्स को बेचकर टोटल रिवेन्यू इतना मिला और इसको बनाने में टोटल कॉस्ट इतना आया, तो ये जो ज़्यादा आ गया है ये एक लॉस है, बट ये एक मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। तो शॉर्ट रन में तीन केस हो सकते हैं, ये तीनों आपने जो है ध्यान से इनको प्रैक्टिस करना है। अब है लॉन्ग रन। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की एक फीचर है कि इसमें फ्री एंट्री है और एग्जिट है, फर्में आ भी सकती हैं और जा सकती हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है
तो और नई फर्में मार्केट में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जब एंट्री करेंगे तो लॉन्ग रन में क्या होगा, बहुत सारी फर्में हो जाएंगी। तो फिर एक लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर सबको जो मिलेगा एक नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करो कि शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, तो उस केस में जो ओल्ड फर्में हैं वो एग्जिट होना शुरू हो जाएंगी। अब लॉन्ग रन में जितनी भी फर्में बचेंगी उनको एक नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि लॉन्ग रन में फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का हमें डायग्राम बनाना है। तो ये तो हो गया ए आर और एम आर, किसका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का, और ये है एम सी। तो लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो ये एल एम सी हो जाएगा, लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये लॉन्ग रन का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया कि लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन है वो इतना ही होना है। अब इतना होना है तो ये ए आर है, तो एवरेज कॉस्ट भी आपको यही दिखाना है। तो ये लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट हो गया, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाना है, ठीक है। बस वहाँ पे एम सी और ए सी की जगह मुझे एल एम सी और एल ए सी लिखना है। अब इसका मतलब है लॉन्ग रन में इतना प्रोडक्शन होगा और ए आर इतना है, तो टी आर ये हो गया, ठीक है, और टोटल कॉस्ट भी इतना ही है। तो ये लॉन्ग रन का फर्म इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो